अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए में 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स रैशनलाइज एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो 4 डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, इसका मतलब डेरिवेटिव निकालना है हमने। और डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें x2 - 1 डिवाइड बाय x2 विद रिस्पेक्ट टू x की 4 है। आप डिपेंडेबल एक वेरिएबल ले लें y इज इक्वल टू x2 - 1 डिवाइड बाई x2 और विद रिस्पेक्ट टू दूसरी वैल्यू हमारे पास अगर है, विद रिस्पेक्ट पे लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम इसको अब पैरामेट्रिक फॉर्म बना रहे हैं। दूसरा आपका एक तो y हो गया ना, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x की 4। तो हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट में dy डिवाइड बाई dt फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले तो ये देखें, ये y is equal to x की पावर 2 माइनस x की पावर माइनस में 2, ठीक है। और अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन पहले लिखना है, सॉरी हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल कौन सा है, वो x ही है। ऑन बोथ साइड पे हमने दोनों का डेरिवेटिव लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस में 2, पावर उनमें सानी हो जाएगी। इसी तरह ये भी हो जाएगा d डिवाइड बाय dx इनटू z इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इनटू x की पावर हो गई 4। तो ये वाले वैल्यू में आपकी ये पहली पैरामीटर में आ जाएगा dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये देखें ये आपके पास अलग-अलग डेरिवेटिव लगाना है आपने, d डिवाइड बाय dx इनटू x स्क्वायर पे अलग से माइनस d डिवाइड बाय dx इनटू x की पावर माइनस 2 पे अलग से। तो ये तो हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, इस पर आपका आ जाएगा पावर रूल, पावर शुरू में x लिखेंगे आप पावर एक कम करके, और डेरिवेटिव लेना आपने विदाउट पावर x का, सेम एज इट इज आपने यहाँ भी पावर लिखनी है शुरू में जो कि माइनस में आ रही होगी, और x को लिखना है आपने उसकी पावर में एक कम कर लेना है, और डेरिवेटिव आपने यहाँ पर लेना है विदाउट पावर के x का, बिल्कुल इतना सा काम होगा, ठीक है। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और x की पावर हो गई माइनस में 3 और इसका डेरिवेटिव भी हो गया 1। वो पावर्स नीचे आके x के आपको पता पॉजिटिव हो जाएगी, सो d डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2x और यहाँ पर आपका प्लस में 2 डिवाइड बाय x का हो जाएगा पॉजिटिव क्यूब, और यहाँ आप इसका ले लें एलसीएम भी, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू जब आप इसका एलसीएम लेंगे क्यूब में आ जाएगा, ऊपर आप देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2x की 4 और ये प्लस आपका 2 ही रहने वाला है, इसमें से 2 भी कॉमन आ जाता है, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2 कॉमन ले लें और इधर आ जाएगा आपका x की 4 प्लस 1 डिवाइड बाय x का क्यूब, ये हो गई हमारी dy डिवाइड बाय dx, एक साइड हो चुकी है सोल्व। अब हमने जो है ना इसकी सेकंड साइड जो दूसरी साइड है वो सोल्व करनी, वो तो सिंपल आपको पता है कि dz डिवाइड बाय dx हो गया, यहाँ पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में पावर में से आपने एक कम करके लिखना है बेस को और डेरिवेटिव ले लें विदाउट पावर के उसी बेस x का, तो जो आपका dz ओवर dx है ना वो तो आपके पास आ गया 4x³ और इसका 1 हो गया, ठीक है। यानी dz डिवाइड बाय dx जो है वो 4x³ डिवाइड बाय 1 के बराबर है। आपको dz को नीचे लेके जाना है फ्रैक्शनली डिनोमिनेटर की तरफ, तो आपने dx ओवर dz कर देना है, ये वैल्यू आपकी 1 ओवर 4x का क्यूब हो जाएगी, उलट जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू हम इधर लेके आएंगे, हमने यहाँ पर निकालना है dy डिवाइड बाय dz, तो ये dy डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डिवाइड बाय डी जी, डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई और डी जी मिल जाएगा हमें। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी वाई डिवाइड बाय डी जी इक्वल टू, पहले डी वाई और डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स की 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स का क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई बाय अब डी वाई और डी जी की वैल्यू देख ले क्या है, 1 डिवाइड बाय 4x का क्यूब, तो ये हो गई यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 4x का क्यूब, तो यहाँ पर एक तो ये 2 टू द 4 हो गया। अब अगर हम इसको बिल्कुल सिंपलीफाई करें तो dy डिवाइड बाय dz इज इक्वल टू, ऊपर तो हो गया x की 4 प्लस 1, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 और x की पावर, देखिए बेस सेम है, तो पावर 3 प्लस 3 कितनी हो गई, 6। अब इसके अलावा क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, आंसर है x की 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2x की पावर 6, यही आंसर है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के क्वेश्चन पार्ट्स में से हैं, ये 5 नंबर का पार्ट आपको पेपर में आ सकता है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा।
और मैं साथ ही यह दुआ करूंगा कि इस माह मुबारक जो रमजानुल मुबारक का पाक महीना है जिसमें मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, लेक्चर्स बना रहा हूं, इस महीने के सदके आप सब जो हैं वो अपने जो जो इम्तिहान देंगे इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएं। और इसके साथ ही जो है वो आपने भी मुझे दुआओं में याद रखना है। आपके साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।